नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। यूपी के बुलंदशहर में ड्यूटी के लिए बाइक पर सवार होकर जा रहे दो होमगार्डों को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला, जिससे दोनों होमगार्डों की अस्पताल में जाते समय जिला अस्पताल जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टक्कर मारने वाला वाहन चालक वाहन सहित फरार बताया जा रहा है। यह तस्वीर है बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली में तैनात होमगार्ड चमन सिंह व अमित शर्मा की, जिनकी आज तड़के सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल चमन सिंह व अमित शर्मा बाइक पर सवार होकर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गुलाबी कोतवाली आ रहे थे कि रास्ते में हामिद पूर्व कुचेसर हाईवे पर गुलाब ठीक कोतवाली क्षेत्र में पीछे से एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल जाते समय दोनों होमगार्डों की मौत हो गई। होमगार्डों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। रिपोर्टर अनिल कुमार मीना, बुलंदशहर से। ये मेरा भाई ड्यूटी गया था, शाम को 8 बजे ड्यूटी थी इसकी शुरू, और गुलावड़ी थाने से इसको सिकंदराबाद की साइड में कोई सी चौकी पर डिटेल किया। वहाँ पर इनके मोटरसाइकिल पर कोई गाड़ी से पीछे से इनको टक्कर मार दी, और उसके बाद में इनको, जब इनको पुलिस वालों को पता लगा, किसी ने बताया, तो ये लेकर आए हैं हॉस्पिटल में। दोनों की हो गई है, एक की तो उधर ही ऑन स्पॉट हो गई थी। मेरा भाई है, उसका काले आम तक बोल रहे हैं सांस चल रहा था, और यहाँ आकर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। ये रात लगभग 2:30 बजे के करीब सिकंदराबाद गुलावटी मार्ग पर एक औरंगाबाद गेट के पास ये हादसा हुआ। होमगार्ड 973 अमित शर्मा, उम्र 35 वर्ष, और होमगार्ड 940 चमन सिंह, उम्र 33 वर्ष, ये बरमदपुर और नयावास के रहने वाले थे। ये अपना ड्यूटी के लिए जा रहे थे और किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी। सूचना मिली पुलिस को, तुरंत गुलावटी थाने से फोर्स उनको अस्पताल ले गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में आ रहे रविकांत नाम के व्यापारी को बदमाशों ने रोका। रविकांत नाम का व्यापारी ट्रक से रेलवे का सामान लेकर जा रहा था, जिसको गाड़ी में सवार बदमाशों ने ओवरटेक करने के लिए रोक लिया और ट्रक को हथियारों के बल पर अपने कब्जे में ले लिया। बदमाशों ने रविकांत से 10 लाख की रंगदारी मांगी। रविकांत बिहार का रहने वाला है। रविकांत को बदमाश बांध कर छोड़ गए और ट्रक को लेकर चले गए, जिसकी सूचना रविकांत ने नगर कोतवाली में दी। सूचना को पाकर नगर कोतवाली खुर्जा पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने सारी सीमाएं सील कर दी और बदमाशों को धर दबोचा, जिसमें 3 को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे ट्रक को माल सहित बरामद कर लिया है। बदमाशों से पुलिस ने 1 गाड़ी तमंचा आदि बरामद किए। अनिल कुमार, रिपोर्ट मीना, बुलंदशहर से। ये रविकांत वर्मा, जो मूलतः रहने वाले बिहार के हैं, कल थाने पर आकर के तहरीर दिया कि मैं और मेरे क्लींजर, ये दोनों अपने ट्रक से जो रेलवे का सामान कुछ लदा था उसमें और घरेलू सामान था, इसको लेकर के जा रहे थे कि इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले 3-4 बदमाश, ये लोग आकर के मुझे ट्रक से उतार करके बंधक बना लिया और मुझे ले आए और मुझसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इस सूचना पर तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया और बताए हुए स्थान पर जा करके उसकी घेराबंदी की गई, तो 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। एक का नाम मिंकू है उर्फ चंद्रभान, दूसरे का अर्जुन और तीसरे का सुजीत। इनसे जब विस्तृत पूछताछ की गई, इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और फिर हम लोग उस ट्रक की बरामदगी कर लिए हैं और साथ में जिस घटना से कार से घटनाकारित किए हैं वरना कार, उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। और इनका जब कार का सर्च किया गया तो उसमें अवैध तमंचे भी बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी करके न्यायालय भिजवाया जा रहा है। और अब हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।